नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे CIB AVM के यूनिट 18 में। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को। ये जो टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग है, इससे एक केस स्टडी पूछ लिया जाता है। और बेसिकली इसके अंदर हम लोग दो मेथड पढ़ने वाले हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है सिंप्लेक्स मेथड। तो बेसिकली जो केस स्टडी पूछा जाता है वो सिंप्लेक्स मेथड पे पूछा जाता है। लेकिन बात ऐसा है कि सिंप्लेक्स मेथड को समझने के लिए हमें ग्राफिकल मेथड को भी समझना होगा। सो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में ग्राफिकल मेथड को समझेंगे, ग्राफिकल मेथड के बाद सिंप्लेक्स मेथड को समझेंगे। फ्रेंड्स, मैंने जो ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इजी वे में हैं, समझ में आ जाएंगे आप लोगों को, यदि आप मेरे एक एक बातों को सुनिएगा तो। और यदि नहीं समझ पाइएगा एक भी चीज़ को, तो फिर टॉपिक में काफ़ी मुश्किलें आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो जो भी मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और उसे नोट करते चलिए। यही मूल मंत्र है इस टॉपिक को अच्छे से समझने का और इसमें स्कोर करने का। चलिए चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले समझते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग अपने लिमिटेड रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और उसके लिए काफ़ी अलग अलग तरह के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, तो उन सभी सिचुएशन में कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करेंगे, यही हमारा मैथमेटिकल टेक्निक को लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। देखिए, यहाँ पे भले ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आपको लग रहा हो, लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगा उससे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले नाम इसका लीनियर क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो एक लीनियर रिलेशन में होंगे। दैट मीन्स दे विल फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो कैसे उनका रिले उनके बीच का रिलेशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन रिलेशन होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा लीनियर प्रोग्रामिंग। आइए देखते हैं कि ऐसे मतलब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक कोई क्यूबिक इक्वेशन नहीं आने वाला है, हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगा वो लीनियर इक्वेशन आएगा। अब देखिए, लीनियर इक्वेशन लीनियर प्रोग्रामिंग को करने से पहले हमारे पास क्या प्रीरिक्विजिट है। प्रीरिक्विजिट मतलब कि उससे पहले क्या क्या चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ नेसेसरी। ये होता क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये एक फंक्शन है जिसे हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है, ऑप्टिमाइज़ का मतलब हुआ कि मैक्सिमाइज़ करना या मिनिमाइज़ करना एज़ पर द सिचुएशन। फिर दूसरा है हमारा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है जिसके थ्रू हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, वही हमारा कंस्ट्रेंट होगा। तो फ्रेंड्स, ये पूरे लीनियर प्रोग्रामिंग टॉपिक में बार बार ये दो टर्म रिपीट होंगे, पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन और दूसरा कंस्ट्रेंट। तो आप लोग ऐसे समझें कि जिसे हमें ऑप्टिमाइज़ करना है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और जिस रिसोर्स के थ्रू हम लोग ऑप्टिमाइज़ करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, वो हमारा कंस्ट्रेंट कहलाएगा। आइए जरा एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टेटमेंट ऑफ LP, दैट मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग के जनरल स्टेटमेंट को। देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू C1x1 प्लस C2x2 प्लस डॉट 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 प्लस CnxN। देखिए, ये C1 हमारा कांस्टेंट है, C2 को C1, C2, C3, C4 टिल CN हमारा क्या है, इंटीजर है जो कि कांस्टेंट है, और X1, X2, X3, X4 प्लस XN क्या है, हमारा वेरिएबल है। फ्रेंड्स, जरा आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इसमें X का जो पावर है वो 1 है हमेशा। दैट मीन्स ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो हमें करना ये है कि हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है, और इसी फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसे हमें ऑप्टिमाइज़ करना होता है। अब देखिए, इस ऑप्टिमाइज़ तो करेंगे इसे, लेकिन हमारे पास कुछ कंस्टेंट है। क्या क्या कंस्टेंट है कि A11x1 प्लस A12x2 प्लस डॉट 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 प्लस A1nxn शुड बी लेस देन और इक्वल टू B1। उसी तरह ऐसे करते करते AM1x1 प्लस AM2x2 प्लस AMnxn इज लेस देन इक्वल टू BN। तो यहाँ पे बहुत सारे कंस्टेंट हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो इसीलिए मैंने N लिया है, M लिया है, M कंस्टेंट मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे A11, A12, A1n और B1 ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा कांस्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हमने जनरल स्टेटमेंट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग देख लिया है। इसमें दो चीज़ ध्यान देने वाली बात है, पहला कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर होना चाहिए और दूसरा कि कांस्टेंट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, होपफुली इस स्लाइड से आपको लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्टेंट, ये क्या होते हैं, और इसका एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करते हैं, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने का एक टेक्निक है। देखिए, ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ। एक कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट A एंड B, हुज प्रॉफिट पर यूनिट आर ₹60 एंड ₹70 रेस्पेक्टिवली।
प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 10 आवर ऑफ प्रोसेसिंग ऑन मशीन बी, 6 आवर ऑन मशीन क्यू एंड 5 आवर्स ऑन मशीन आर, वेर एज प्रोडक्ट बी रिक्वायर्ड 7.5 आवर्स ऑन पी, 9 आवर्स ऑन क्यू एंड 13 आवर्स ऑन आर. द मैक्सिमम वीकली अवेलेबिलिटी फॉर थ्री मशीन पी, क्यू एंड आर आर 75, 54 and 65 आवर रेस्पेक्टिवली. फॉर्मुलेट एल पी प्रोग्राम प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड फाइंड द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स. देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक कंपनी दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है ए और बी. ए का प्रॉफिट पर यूनिट है 60 रुपीज़ और बी का प्रॉफिट पर यूनिट है 70 रुपीज़. मतलब ए यदि एक यूनिट को सोल्ड करती है तो उसे कितना प्रॉफिट मिलता है, 60 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है. और बी यदि एक प्रोडक्ट सोल्ड करती है तो उसे कितना प्रॉफिट होता है, 70 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है. ए को 10 घंटा पी पे प्रोसेस किया जाता है, 6 घंटा क्यू पे प्रोसेस किया जाता है और 5 घंटा आर पे प्रोसेस किया जाता है. और बी को 7.5 घंटा पी पे प्रोसेस किया जाएगा, 9 घंटा क्यू पे प्रोसेस किया जाएगा और 13 घंटा आर पे प्रोसेस किया जाएगा. और ये जो तीन मशीन है हमारा ए, तीनों मशीन पी, क्यू और आर है, वो मैक्सिमम वीक में 75 घंटा, 54 घंटा और 65 घंटा अवेलेबल है. तो हमें इस एलपी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है. तो मतलब कि पहले हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताना है और फिर उसे ऑप्टिमाइज करना है. तो चलिए दोस्तों, अब ज़रा इसे हम लोग समझते हैं कैसे इसे टैकल किया जाए. सबसे पहले हम लोग एक चार्ट, एक टेबल ड्रॉ करेंगे. हम लोग कॉलम बनाएंगे, रो बनाएंगे. कॉलम होगा हमारा मशीन का और रो होगा हमारा प्रोडक्ट का. तो हमारे पास कितने मशीन है टोटल, 3 मशीन है पी, क्यू एंड आर. और हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं, 2 प्रोडक्ट हैं ए एंड बी. तो ए एंड बी को हम लोग रो में लिखेंगे और पी, क्यू, आर को हम लोग कॉलम में लिखेंगे. अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि अब ए के कॉरस्पॉन्डिंग, ए और पी के कॉरस्पॉन्डिंग, देखिए ए का मान लेते हैं कि सबसे पहले स्टेप वन को देखिए, ये टेबल कैसे फिलअप होगा वो मैं समझाता हूँ अभी. देखिए की डिसीजन हमारा क्या है, की डिसीजन हमें ये निकालना है कि कितना प्रोडक्ट ए का मैन्युफैक्चर किया जाए और कितना प्रोडक्ट बी का मैन्युफैक्चर किया जाए पर वीक. ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि वो जो है हमारा एक्स वन है और एक्स टू है. मतलब ए का जो है एक्स वन यूनिट एक सप्ताह में प्रोड्यूस हो रहा है और बी का एक्स टू यूनिट एक सप्ताह में प्रोड्यूस हो रहा है. तो फ्रेंड्स आप ये बताइए कि प्रोडक्ट ए को मशीन पी पे प्रोसेस करने में कितना समय लगता है, 10 घंटा. तो इसीलिए हमने ए और पी के सामने कितना लिखा, 10 आवर्स. प्रोडक्ट ए को क्यू पे प्रोसेस होने में कितना घंटा लगता है, 6 घंटा. तो देखिए हमने 10, 6 और 5 लिखा और प्रॉफिट पर यूनिट कितना है ए का, 60 रुपीज़. उसी तरह बी प्रोडक्ट के लिए हम लोग बात करेंगे. बी को प्रोसेस होने के लिए 7.5 आवर्स, 9 आवर्स और 13 आवर्स लगता है और प्रॉफिट पर यूनिट कितना है बी का, बी का प्रॉफिट पर यूनिट है हमारा 70 रुपीज़. ओके, अब देखिए नीचे में थर्ड रो में हमने लिखा है मैक्सिमम आवर पर वीक. तो फ्रेंड्स हमारे पास जो तीनों मशीन हैं वो जैसे पी हैं वो 75 घंटा ही अवेलेबल हैं पर वीक. उसी तरह क्यू हमारे 54 घंटा अवेलेबल हैं और आर हमारे 65 आवर्स अवेलेबल हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये टेबल कंप्लीट हुआ. अब फ्रेंड्स हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, हम क्या चाहेंगे अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, क्या चाहेंगे दोस्तों. हम ये चाहेंगे कि जो मेरा प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े. तो मान लीजिए हमने क्या माना कि ए का एक्स वन यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है और बी का एक्स टू यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है और पर यूनिट कितना प्रॉफिट है, 60. तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 60 × x1 ए के लिए. और ये बताइए बी के लिए, बी का कितना यूनिट है, एक्स टू यूनिट है, पर यूनिट कितना प्रॉफिट है, तो 70 रुपीज़ प्रॉफिट है. तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा एक्स टू यूनिट के लिए, 70 × x2. तो हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, 60 × x1 + 70 × x2. फ्रेंड्स होपफुली ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये क्लियर हुआ हो गया होगा आपको कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखना है. हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 60 × x1 + 70 × x2. चलिए ये तो था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब अगला बात आता है कंस्टेंट का. अब कंस्टेंट कैसे निकाला जाए, कंस्टेंट मैंने बताया था, उसको निकालने के लिए आप इस टेबल का हेल्प लीजिए. देखिए दोस्तों पी का, हम लोग पी मशीन पी का बात करते हैं. तो मशीन पी का बात यदि किया जाए तो मशीन पी को ए प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना समय लगता है, 10 घंटा. और बी प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना समय लगता है, 7.5 घंटा. और टोटल अवेलेबिलिटी कितना है मशीन पी का, 75 घंटा. तो मान लेते हैं कि ए का एक्स वन यूनिट प्रोड्यूस हुआ तो पी कितने देर में प्रोड्यूस करेगा एक्स वन यूनिट, 10 एक्स वन टाइम में. और बी का एक्स टू यूनिट प्रोड्यूस हुआ तो पी जो है बी के इस एक्स टू यूनिट को कितने देर में प्रोड्यूस करेगा, 7.5 एक्स टू यूनिट टाइम में. तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 10 एक्स वन + 7.5 एक्स टू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 75. ये क्लियर हो गया होगा आपको, मेरे एक एक बात को ध्यान से सुनिए तभी ये चीज़ क्लियर होगा. उसी तरह आते हैं क्यू पे. क्यू जो है ए का एक्स वन यूनिट प्रोड्यूस करेगा 6 एक्स वन टाइम में और एक्स टू यूनिट प्रोड्यूस करेगा 9 एक्स टू यूनिट टाइम में.
तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं 6x1 + 9x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 54। उसी तरह आर के लिए हम लोग लिख सकते हैं 5x1 + 13x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 65। फ्रेंड्स आप यहां से नोट करेंगे एक बात को कि जितने भी हमने चार इक्वेशन यहां पे लिखे हैं सभी के सभी लीनियर इक्वेशन हैं। इसीलिए हम लोग इस टॉपिक का नाम ही रखे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि सब कुछ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ही हमें रिप्रेजेंट करना है। ये था हमारा स्टेप 2। और स्टेप 2 मगर बहुत सिंपल है हमारा। उसमें करना क्या है कि जितने भी लीनियर इक्वेशन है सबको ग्राफ पे प्लॉट करना है। आप देख सकते हैं ग्राफ पे प्लॉट करना आप लोगों को आता होगा। वैसे ये क्वेश्चन आपसे सीआईबी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि ये यदि समझ लेंगे आप तो सिंप्लेक्स मेथड से जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो समझना काफ़ी आसान होगा। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे चार लीनियर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि आप लोग काफ़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोग अपने स्टैंडर्ड अपने 11th 12th में जरूर सीखे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी ये जो तीन इक्वेशन है हमारे तीन लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे तीन लाइन ड्रॉ किया है ए बी और सी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है कि सब में देखिए लेस देन लेस देन लेस देन है। हमें रीज़न देखना है कि कौन सा रीज़न है जो कि इस इधर इसको सेटिस्फाई करेगा। और फिर जब जो कॉमन रीज़न होगा वो उसको हमने क्या उसको हम क्या कर लेंगे सेट कर देंगे। तो जो सेडेड रीज़न है हमारा ओ ए बी सी डी वही क्या होगा हमारा जो सेडेड रीज़न है वही हमारा रीज़न है फिजिबल सॉल्यूशन का। अच्छा हमें करना क्या था, हमें करना ये था कि ऑप्टिमाइज़ करना था। तो अब करना क्या है दोस्तों, ये जो कॉर्नर पॉइंट है ओ ए बी सी डी सभी का हम लोग कोऑर्डिनेट को नोट करेंगे और कोऑर्डिनेट को पुट करेंगे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। जैसे मान लीजिए ओ को पुट करना है, ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0। तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम लोग एक्स वन की जगह 0 लिखेंगे, एक्स टू की जगह 0 लिखेंगे, जेड भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसी तरह ए का कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट करेंगे बी को सी को और डी को, और देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वैल्यू जेड का किस किस के केस में आ रहा है। तो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको समझा दिया कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस इसे समझना है, इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए हम लोग अब रियल टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो है हमारा सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है? सिंप्लेक्स मेथड नाम तो है इसका सिंप्लेक्स, लेकिन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि इसे समझने में थोड़ा समय लगेगा और इसे प्रैक्टिस भी होनी चाहिए आपको, तो मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा। अभी फ़िलहाल समझते हैं इसको। देखिए है क्या सिंप्लेक्स मेथड, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर है इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन से, जो कि इम्प्रूव होता है प्रत्येक सॉल्यूशन पे अप टू सर्टेन नंबर ऑफ स्टेट। मतलब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन से इम्प्रूवमेंट करते करते फाइनल तक पहुँचेंगे। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है कि सबसे पहले जितने भी इनइक्वालिटी हैं आपने देखा होगा पिछले वे कि मैंने जब कांस्टेंट लिखा था तो उसमें मैंने इनइक्वालिटी डाला था। तो सबसे पहले काम ये करना है कि जितने भी इनइक्वालिटी हैं हमारे डिसीजन वेरिएबल के सबको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक होते हैं सरप्लस वेरिएबल और एक होते हैं स्लैक वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ देखिए 2x1 - x2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो हमें इस ग्रेटर देन इक्वल टू में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ माइनस करेंगे तभी तो इक्वल टू होगा। मतलब 10 जो है 2x1 - x2 से छोटा है, यही कह रहा है ना। तो हम लोग 2x1 - x2 से s2 को माइनस कर देंगे। s2 हमारा क्या है यहाँ पे, सरप्लस वेरिएबल। तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल टू का साइन। यही तो मेरा मकसद था कि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू में बदलना है। उसी तरह राइट साइड में अपन देखिए हमारा क्या इनइक्वालिटीज़ है, 5x1 - x2 इज़ लेस देन इक्वल टू 18। यहाँ भी हमें क्या करना है कि इस लेस देन इक्वल टू को इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, कुछ जोड़ देंगे, मतलब 5x1 - x2 + s1 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे s1 इज़ आवर स्लैक वेरिएबल। नाउ हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू c1x1 + c2x2 + .. cnxn, और हमारा कंस्टेंट था a1x1 a11x1 + a12x2 + .. an xn < b1। और इस केस में हमें x1 x2 x3 x4 और xn तक हमने क्या माना है, पॉजिटिव है। सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब देखिए दोस्तों हमारे कितने वेरिएबल्स हैं, टोटल n वेरिएबल्स हैं, c1 c2 c3 c4 एड के ऐसे कितने वेरिएबल n वेरिएबल हैं, और हमारे कितने कंस्टेंट हैं, m कंस्टेंट हैं। तो इस केस में जो है
एन जो होगा वो हमेशा एम से क्या होगा, बड़ा होगा। एन क्या है हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल, एम क्या है हमारा इक्वालिटी कंस्टेंट। अब देखिए दो टर्म आते हैं, एक होते हैं बेसिक वेरिएबल और एक होते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल। तो एन में से जो एम वेरिएबल होंगे वो हमारे बेसिक वेरिएबल होंगे, और जिनसे हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और बाकी जो बचे वेरिएबल होंगे दैट मीन्स एन माइनस एम वेरिएबल, वो कैसे वेरिएबल होंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने फिक्स कर लिया एन का वैल्यू 5, तो हमारे वेरिएबल क्या क्या हो जाएंगे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव। तो एन का वैल्यू कितना है, 5 है। मान लेते हैं कि हमारे पास तीन तीन कंस्टेंट हैं, तो एम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो आप ज़रा 5 - 3 कीजिए कितना होगा, 2। तो 2 हमारे हैं नॉन बेसिक वेरिएबल और 3 हमारे क्या हैं, बेसिक वेरिएबल हैं। तो ये जो तीन बेसिक वेरिएबल हैं उनसे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमें मिलेगा बेसिक सॉल्यूशन। अब देखिए अब हम लोग आते हैं एक रियल क्वेश्चन पे, और देखिए इसी तरह का केस स्टडी पूछा जाएगा आपसे। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है हमारा, बाय सिंप्लेक्स मेथड फाइंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी शुड बी मेड पर वीक। प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 4 hours ऑफ लेबर, एंड बी रिक्वायर्स 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 3 hours ऑफ लेबर। एवरी वीक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज 60 kg एंड 96 hours ऑफ लेबर। प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ए एंड बी इज ₹40 and ₹35 रेस्पेक्टिवली। तो हमें क्या निकालना है कि कितना यूनिट ए और बी का पर सप्ताह में कितना प्रोड्यूस किया जाएगा। तो मान लेते हैं एक्स वन यूनिट ए का और एक्स टू यूनिट बी का प्रोड्यूस किया जाएगा पर वीक। तो हमें करना क्या है, मैक्सिमाइज करना है टोटल प्रॉफिट को। अब बताइए प्रॉफिट ए का कितना है, प्रॉफिट ए का है ₹40 और बी का कितना है ₹36। तो हमें मैक्सिमाइज करना है 40x1 + 35x2। ये कैसे हुआ, इसके लिए मैंने अपने पिछले ग्राफिकल मेथड का जो एग्जांपल लिया था उसमें मैंने समझा दिया है। अब हमें कंडीशन क्या क्या है, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के लिए क्या कंडीशन है कि 2 kg है प्रोडक्ट ए का कितना है 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल, और बी के लिए कितना है 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल। सो 2x1 + 3x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 60। और लेबर के लिए क्या कंस्टेंट है, 4x1 + 3x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 96। तो देखिए दोस्तों पहला स्टेप है हमारा कि वी शुड कन्वर्ट दिस इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी। तो कैसे इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो उसे हम लोग कैसे इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, एक कुछ ऐड करेंगे। तो क्या ऐड करेंगे, तो सरप्लस वेरिएबल ऐड करेंगे। उसी तरह जो हमारा सेकेंड कंस्टेंट है दैट इज़ 4x1 + 3x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 96, इसे इक्वालिटी में बदलने के लिए हम लोग एक और वेरिएबल को हम लोग ऐड करेंगे जो कि हमारा क्या कहलाएगा, s2। तो फ्रेंड्स अब नंबर, अब n का वैल्यू नोट कीजिए, n का वैल्यू कितना हो गया, x1 x2 तो पहले से था लेकिन अब दो और वेरिएबल आ गए हमारे पास s1 और s2। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। n यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मैंने पिछले स्लाइड में बताया था आप लोगों को। तो n कितने हैं यहाँ पे, 4 है, x1 x2 s1 s2। और m कितने हैं, 2 हैं। m तो मैंने पहले से बता रखा है कि ये हमारा अब नंबर ऑफ कंस्टेंट हैं। तो कितने कंस्टेंट हैं हमारे पास, 2 कंस्टेंट हैं, तो m का वैल्यू कितने हैं, 2 हैं। अब देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो उसमें क्या करना है कि ये जो स्लैग वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट 0 लेना है। तो हमारा स्लैग वेरिएबल, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो क्या है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 40x1 + 35x2। और उसको हम लोग क्या कैसे बढ़ाएंगे, 40x1 + 35x2 + 0s1 + 0s2। अब हमें क्या करना है कि n माइनस m करना है, n कितना है 4, m कितना है 2, सो n माइनस m विल बी इक्वल टू 4 - 2 = 2। ये जो 2 आया हमारा वो क्या है, नॉन बेसिक वेरिएबल है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी बेसिक वेरिएबल होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहला सॉल्यूशन देखिए हमें मिल चुका है कि x1 को 0 पुट कर लीजिए आप, x2 को 0 पुट कर लीजिए। देखिए पुट कीजिए इस मैक्सिमाइज जेड वाले में, आप इन हमारे पास तीन इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन में आप x1 x2 को 0 पुट कर दीजिए। तो s1 कितना मिलेगा, 60, s2 कितना मिलेगा, 96, और z कितना मिलेगा, 0। ये हमारा फर्स्ट फिजिबल सॉल्यूशन है। तो हमें पहला सॉल्यूशन मिल गया। अब सिंप्लेक्स में करना क्या होता है कि पहले सॉल्यूशन से के बाद को यूज करके कुछ मेथड के थ्रू हम लोग दूसरे सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे दूसरे सॉल्यूशन पे जाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप लिखे हैं, पहले समझिए। देखिए सबसे पहला जो ऊपर का हमारा रो है उसमें CJ1 बेसिस x1 x2 s1 s2 bi और θi। देखिए दोस्तों बीच का x1 x2 s1 s2 तो हमारा वेरिएबल है, और ये बेसिस क्या होता है और ये CJI क्या है। CJI कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट है। तो किसका कोएफिशिएंट है, तो जो भी हमने बेसिस लिया है s1 s2 उसका कोएफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए s1 का कोएफिशिएंट कितना है हमारा। देखिए s1 का कोएफिशिएंट है 0,
एस टू का कोएफिशिएंट कितना है हमारा, जीरो, तो इसीलिए हमने सी जी आई को जीरो और जीरो लिखा है। अब देखिए यहाँ पे मेरा बी आई क्या है, बी आई है बेसिकली इक्वालिटी के राइट साइड जो भी हमारा कोएफिशिएंट है वही हमारा बी आई है। और हम लोग एक और कॉलम लेंगे सबसे लास्ट वाला, जिसे हम लोग थीटा आई कहेंगे, जिसका नाम है रिप्लेसमेंट रेशियो कॉलम। और थीटा आई क्या होता है, बी आई डिवाइडेड बाई ए आई जे, ए आई जे या सी आई जे जो हमने पहले लिखा है। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमें ये सब टेबल को फिलअप कैसे करना है। तो हमारे पास दो कॉन्स्टेंट इक्वेशन थे, पहला क्या था, पहला था 2x1 + 3x2 + s1 = 60। तो हम लोग एक्स वन के नीचे 2 लिखेंगे, एक्स टू के नीचे 3 लिखेंगे, मतलब उसके कोएफिशिएंट को लिखना है। एस वन के नीचे 1 लिखेंगे, और एस टू तो है ही नहीं इसमें, तो उसके नीचे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और बी आई के नीचे क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। अब जरा सेकेंड कॉन्स्टेंट इक्वेशन को देखिए क्या है हमारा, 4x1 + 3x2 + s2 = 96। तो एक्स वन के नीचे 4, एक्स टू के नीचे 3, एस वन तो है ही नहीं तो 0, एस टू के नीचे 1 और बी आई के नीचे 96। अब क्या करना है, ये जो रिप्लेसमेंट रेशियो कॉलम है वो निकालने के लिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ वो कैसे लिखेंगे। उसके लिए पहले मैं कुछ थ्योरी पर समझता हूँ। देखिए उसके नीचे मेरा सी जे वाला कॉलम है, ठीक है दोस्तों, ये सी जे कैसे निकाला जाएगा वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले हमें ये करना है कि देखिए सी जे निकालना है, फिर सी जे इंटू ए आई जे निकालना है, और फिर डेल्टा जे निकालना है, वो हो जाता है सी जे माइनस जेड जे। तो वैल्यू अब यहाँ पे नोट कीजिए दोस्तों, ये 40 और 35 कहाँ से आया, तो आपको पता होगा हमें जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो क्या है, 40x1 + 35x2। तो भाई तो हमारा सी जे है 40x1 के नीचे 40, x2 के नीचे 35, s1 के नीचे 0, s2 के नीचे 0। जेड जे कैसे निकालेंगे, तो सी आई इंटू ए आई जे, ए आई जे कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ। और डेल्टा जे निकालने के लिए सी जे माइनस जेड जे कर लेंगे। तो ये जो डेल्टा जे का जो रो मिलेगा वो उसका जो वैल्यू होगा वो हमें बताएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितना इंक्रीज़ हुआ या कितना डिक्रीज़ हुआ। अब देखिए ये जो डेल्टा जे हमने फाइनल रो लिखा है वही डिसाइडिंग फैक्टर है, यदि उसका वैल्यू नेगेटिव या जीरो आए तो हम लोग समझ लेंगे कि हमारा जो एल पी है वो मैक्सिमाइजेशन वाला केस है, और यदि उसका वैल्यू पॉजिटिव या जीरो है तो एल पी जो है वो कैसा है, मिनिमाइजेशन। जैसे इस केस में हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि जितने भी डेल्टा जे रो में एलिमेंट्स हैं सभी के सभी या तो जीरो हो जाएं या नहीं तो नेगेटिव हो जाएं। जब तक नेगेटिव या जीरो नहीं होंगे तब तक हमें इटरेशन परफॉर्म करते रहना है, यही मेरा मेन मकसद है। इटरेशन मतलब कि तब तक हमें ये काम आगे बढ़ाते रहना है। अब देखिए यहाँ पे दो की एलिमेंट हैं, एक है की कॉलम और एक है की रो। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि की कॉलम को आइडेंटिफाई करो, की रो को आइडेंटिफाई करो, तो वो आपको आना चाहिए। आप पहले समझते हैं की कॉलम होता क्या है। देखिए ये जो करंट प्रॉब्लम है हमारे पास वो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा जे रो में सबसे मैक्सिमम वैल्यू को लेंगे। तो बताइए दोस्तों डेल्टा जे रो में मैक्सिमम वैल्यू कितना है हमारा, 40 है। तो ये जो 40 वाला जो कॉलम होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, की कॉलम, मतलब एक्स वन का जो कॉलम है वही क्या है हमारा, की कॉलम है। तो फ्रेंड्स की कॉलम क्या होता है, क्लियर हो गया होगा कि हमें जो है हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू जो डेल्टा जे का आया है जो कि इस केस में 40 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वही कॉलम क्या कहलाता है हमारा, की कॉलम कहलाता है। अब बात आती है कि अच्छा और एक और चीज़ है कि जो वेरिएबल कॉलम हेड में होगा वही इनकमिंग वेरिएबल होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनकमिंग वेरिएबल क्या है मेरा, एक्स आई, और यहाँ पे मैंने एरो से दिखाया है कि एक्स आई जो है वो एस टू को रिप्लेस करेगा। अब एस टू को ही क्यों रिप्लेस करेगा, आइए उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा की रो के बारे में। होपफुली आपको की कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं की रो। देखिए ये जो रिप्लेसमेंट रेशियो कॉलम है वो कैसे निकाला जाता है, बी आई तो आपको पता है कितना है, 60 और 96। अब जो कोएफिशिएंट है एक्स वन का उससे उसे डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स वन का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, और यहाँ नीचे कितना है, 4 है। तो 60 / 2 कितना होगा, 30, और 96 / 4 कितना होगा, 24। तो इस प्रकार हमने क्या निकाल लिया, रिप्लेसमेंट रेशियो कॉलम। अब उसका कोएफिशिएंट कितना है, 30 और 24। हमें करना क्या है कि इस 30 और 24 में से छोटा क्या है, तो छोटा है 24। तो वही जो 24 वाला जो रो होगा ना वही हमारा की रो होगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, इन द रिप्लेसमेंट रेशियो कॉलम वी सेलेक्ट द मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू एंड द सेलेक्टेड रो इज कॉल्ड की रो। तो जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है उसे लेना है, तो क्या मिलेगा हमें, की रो मिलेगा।
और जो वेरिएबल होगा वो क्या कहलाएगा, आउट गोइंग वेरिएबल। तो बताइए दोस्तों, इस केस में 30 बड़ा है या 30 छोटा है या 24 छोटा है? तो आंसर है 24 छोटा है। तो 24 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो होगा वो कैसे, वो वही रो क्या होगा, हमारा की रो होगा। अच्छा अब ये बताइए कि ये जो की रो है उसमें वेरिएबल कौन सा है हमारा, उसमें वेरिएबल है हमारा S2। तो S2 ही हमारा क्या कहलाएगा, आउट गोइंग वेरिएबल। तो हमने क्या सीखा यहाँ से, चार चीज़ सीखा, एक की रो कौन सा होगा, एक की कॉलम कौन सा होगा, की कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग इनकमिंग वेरिएबल कौन सा होगा, और की रो के कॉरस्पॉन्डिंग आउट गोइंग वेरिएबल कौन सा होगा। तो इस केस में हमारा जो की रो है वो X1 वाला, वो की रो जो है वो हमारा S2 वाला रो है, की कॉलम जो है वो हमारा X1 वाला कॉलम है। X1 हमारा इनकमिंग वेरिएबल है, S2 हमारा आउट गोइंग वेरिएबल है। कहने का मतलब क्या हुआ, अब S2 चला जाएगा और उसके जगह क्या आ जाएगा, X1 आ जाएगा, जो कि हम लोग अगले इटरेशन में देखेंगे। देखिए ये इटरेशन में तो आंसर आ नहीं रहा है हमारा, क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज़ करना है, और मैक्सिमाइज़ करने के लिए मैंने बताया कि जो डेल्टा जे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो नेगेटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा क्या है, पॉजिटिव है। चलिए अब हम लोग देखते हैं की एलिमेंट को, की कॉलम और की रो जहाँ इंटरसेक्ट होती है वही हमारा एलिमेंट की एलिमेंट कहलाता है। तो फ्रेंड्स ज़रा 4 को देखिए, यहाँ पे 4 ही तो वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा की कॉलम और की रो इंटरसेक्ट हो रही है, सो 4 इज़ आवर की एलिमेंट। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपसे ये नहीं कहेगा कि आप अगला इटरेशन बनाइए, यदि पूछ भी सकता है, लेकिन आपको ये पूछा जाएगा कि बताइए की कॉलम कौन सा है, की रो कौन सा है, की एलिमेंट कौन सा है, ऐसे पूछा जाता है। इस बार के जो दिसंबर के CIV के एग्जाम थे उसमें यही पूछा गया था, एक केस स्टडी दे दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि की एलिमेंट बताओ, इनकमिंग वेरिएबल बताओ, आउट गोइंग वेरिएबल बताओ। तो ये सब तभी तो क्लियर होगा जब आप ये सब चीज़ों को समझेंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि जो भी की एलिमेंट है उसे हमें यूनिटी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे की एलिमेंट क्या है हमारा, 4 है, तो 4 को हमको क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब कैसे बनाएंगे उसके लिए कुछ हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे और फिर उसे 1 बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगला स्टेप में ये करना है कि जो हमारा की एलिमेंट है उसको 1 बनाना है, उसको यूनिटी बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं उसे 1, तो हम लोग उसके लिए कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर को लेते हैं और उसके थ्रू बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया, हमने की एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट कर दिया, कैसे, कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर को लेके। अब देखिए क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट की कॉलम में हैं तो उसको हम लोग 0 बनाएंगे एक्सेप्ट की एलिमेंट को। तो 4 को छोड़ के की कॉलम जो कि हमारा X1 है उसके सभी एलिमेंट को क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे, ठीक है। और की कॉलम की एलिमेंट को हम लोग यूनिटी रखेंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉपर मल्टीपल्स हैं की रो के उसे हम लोग बाय एडिंग एंड और सब्ट्रैक्टिंग द प्रॉपर मल्टीपल्स ऑफ की रो फ्रॉम अदर रोज। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, R2 वाले जो रो था उसको 4 से डिवाइड कर दिया, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4, 0 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4, 96 डिवाइडेड बाई 4, 24 डिवाइडेड बाई 4। और R1 के लिए क्या किया, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 2R2, ये ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया। इसके बाद हमें ये आंसर मिलेगा, ये वाला केस। तो सेम सिचुएशन है, आपको बस डिवाइड करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा की एलिमेंट है वो है 1, एंड दैट इज़ आवर पॉजिटिव, और कॉरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा जे रो है वो या तो 0 है, यानी देखिए यहाँ पे हमारा जो 5 है वो पॉजिटिव है, तो हमें एक और इटरेशन परफॉर्म करना होगा बिकॉज आवर डेल्टा जे इज़ नॉट नेगेटिव। तो हमारा सेकेंड फिजिबल सॉल्यूशन जो आया वो आया X1 इज इक्वल टू 24, X2 इज इक्वल टू 0, S1 इज इक्वल टू 12, S2 इज इक्वल टू 0, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली वी गेट जेड इज इक्वल टू 960। तो अब हम लोग अपने सेकंड फिजिबल सॉल्यूशन से हमें आंसर तो मिला नहीं, एक और इटरेशन परफॉर्म करेंगे, और फाइनल वाले केस में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो डेल्टा जो वैल्यू आ रहा है वो तो 0 आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो हमारा थर्ड फिजिबल सॉल्यूशन मिला X1 18, X2 8, S1 0, S2 0, और जेड का वैल्यू आया 1000, और यही हमारा कैसा सॉल्यूशन है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन जिसमें मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में समझाया। मैं इससे रिलेटेड और भी केस स्टडी करवाऊंगा और भी क्वेश्चन करवाऊंगा अपने आने वाले सेशन में। तो फ्रेंड्स इसे लाइक करें, सेशन को लाइक करें, और साथ ही साथ चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।